काल भैरव चिल कर रहा है, खुद को ध्वनि से तृप्त कर रहा है, उत्तेजना को विलीन करके खुदी के वजूद को सिद्ध कर रहा है। गर्जना का भंवर सूक्ष्मता की धारा में घुल रहा है और शक्तियां अस्तित्व में समा रही हैं। विराटता में मानव रूपी बाधाओं का नाश हो रहा है। विशालता और गहराई के गठबंधन में अनंत सृष्टि का निर्माण हो रहा है। देवतागण और कुलदीपक अब एकाएक आत्मा में नजर आ रहे हैं। मध्यलोक के पर्दे अब मानवता से मिट रहे हैं। हर किसी का पुनः जन्म हो रहा है। इस मधुर नृत्य में समय का पुनः निर्माण हो रहा है। पंच तत्व अब संदेश भेज रहे हैं और भौगोलिक भिन्नताएं अब संपूर्णताएं प्रदान कर रही हैं। तेजस और शाखाएं भी एक दूसरे का अभिषेक कर रही हैं। तिरस्कार रूपी संकोच अब कायर गति को प्राप्त हो रहा है। संभावना रूपी पुरस्कार अब हर जीव को प्राप्त हो रहा है। माया रूपी परतें अब अंतरात्मिक सच्चाई को स्थान दे रही हैं। लोभ और नतीजे अब अपने अस्तित्वों को नामौजूद कर रहे हैं। नृत्य और नेतृत्व का फासला लुप्त होकर जीवन और मृत्यु का मिश्रण बनकर बौद्ध योनि और काल का मिलन हो रहा है। देव योनि और भूतालोक का संगठन विराटता मनुष्यता को प्रदान कर रहा है। अपने अस्तित्व की पूर्णता में काल भैरव चिल कर रहा है।